जितना आइकॉनिक कलकत्ते का रसगुल्ला, ट्राम और सौरव दादा है, उतनी ही आइकॉनिक है कोलकाता की येलो टैक्सी। कोलकाता में टैक्सी 1908 से चल रही है, बट एम्बेसडर की एंट्री भी 1962 में। मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 पे बेस्ड एम्बेसडर का प्रोडक्शन शुरू हुआ 1957 में कोलकाता से 18 किलोमीटर दूर उत्तरपाड़ा की फैक्ट्री में। ओरिजिनली कोलकाता की एम्बेसडर टैक्सी येलो के साथ ब्लैक एंड येलो में भी थी, मुंबई की काली पीली जैसी। ब्लैक एंड येलो शहर के लिए और येलो वाली इंटरसिटी, पर येलो टैक्सी आज खतरे में है। कभी किंग ऑफ इंडियन रोड्स, आज सिर्फ 7,000 रह गई है। 91 में लाइसेंस राज खत्म होते ही हिंदुस्तान मोटर्स का फ्यूचर खतरे में था। 2003 में ग्रैंड, 4 में एविगो और 2014 में ऑनकोर के साथ हिंदुस्तान मोटर्स और एम्बेसडर का एपिसोड खत्म हो गया। ऊपर से ऐप बेस्ड टैक्सी डिजायर और एक्सेंट जैसी मॉडर्न गाड़ियों के सामने येलो टैक्सी कहां टिक पाती। हाई मेंटेनेंस और महंगे स्पेयर पार्ट्स के चलते कोई ड्राइवर एम्बेसडर नहीं चलाना चाहता। पर अगर थोड़ी सरकारी मदद और इन्वेस्टमेंट से एग्जिस्टिंग एम्बेसडर्स को इलेक्ट्रिक बना दिया जाए तो? आपका इस पे क्या ख्याल है? और कंटेंट अच्छा लगा तो कास्ट 24 को सब्सक्राइब करो।